हेलो मॉडल टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड इवनिंग मैम। यस मैम। यस यस मैम। हाउ आर यू आर डूइंग। यस मैम। ऑल राइट, सो वी स्टार्ट विद द थर्ड सेशन subject today. Yes, so before we start with the session, I just want to know how many of you are here with an intention to open something of your own. You want to try out with the entrepreneurship. Yes. Want to do something, or you just want to study and get a degree certificate for this subject and then go and sit down, or you have something in your mind, you know, you want to look into it, research about something, and then go ahead in establishing your own maybe firm, small firm or startup. Yes. Yeah. It's better maybe now. No, ma'am. Voice break हो रही है. हाँ, अभी मैंने कैमरा अपना ऑफ कर दिया तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है अब. हाँ, अभी ठीक है. जी 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 एक्चुअली कैमरा ऑन होने से सिस्टम लैग करता है, इसीलिए आवाज नहीं देता है. ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आप लोगों को, कितने लोगों को ये इंटेंशन है कि हम ये पढ़ाई करने के बाद कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं? या केवल पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लेना है और कुछ नहीं करना है? क्या है दिमाग में? यस हेलो मैम। हेलो मैम। या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, इट्स विजिबल टू अस। यस मैम। या सो वील स्टार्ट विथ टुडे सेशन विच इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? यस नहीं, आपका व्यूज क्या है? मतलब आप कुछ करना चाहते हो या बस आपको लगता है मेरे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? मतलब व्हाट इज इट? आई जस्ट वांट टू नो. Be frank and tell me. Yes, we want to start something, ma'am. You want to start something. So do you feel that you're you do not have enough of motivation to do that or something like no, that? No, ma'am.
जैसे जो चीज का मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ उसको मुझे नॉलेज है कि करना कैसे है, लेकिन मुझे ये नॉलेज नहीं है स्टार्ट कैसे करना है। और जो अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं तो मैम काफी सारे वर्ड्स ऐसे न्यू सीख रहे हैं, मतलब वो चीज हमें करनी आती है पर उनके नेम्स नहीं पता है और उनको मार्केट में कैसे लेके आना है, ये सब स्ट्रेटजीज ये सब नहीं पता है। बस उस चीज को उसका स्किल है करने का, तो इसके लिए डिग्री कर रहे हैं। ओके ओके यस ऑल राइट सो आई वांट टू स्टार्ट टुडे सेशन, ठीक है, एक वीडियो से। आई एम शोइंग यू अ स्मॉल वीडियो विच विल लेट यू नो कि आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या छोटा सा कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा इफेक्ट ला सकता है लाइफ्स में, ठीक है, नॉट ओनली इन योर लाइफ बट सबके लाइफ में, ठीक है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग वन वीडियो विथ यू, इट्स अ 5 मिनट्स का वीडियो, लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट इट। आप सभी जानते हो उल्ब्स, उल्ब्स क्या है, भेड़िया क्या है। जेनव इज वेरी फॉन्ड ऑफ कैट्स, कैट फैमिली से है। हाँ यस जेनव, उल्ब्स क्या है पता है आपको, भेड़िया, ठीक है। और भेड़िया का क्या काम होता है जंगल में, यस आई होप मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है। यस मैम, यू आर ऑडिबल। हाँ तो बताइए क्या काम होता है भेड़िया का। किसी को नहीं पता, यस मैम बस सुना है कि ऑल जैसे राइट वुल्व्स जो है हमारे सिस्टम में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बायोडायवर्सिटी जैसा कुछ पढ़ा है लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं है। ओके। तो आपको हम एक ये छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं, आपको सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा मैम, पहले दिख रहा था। In 1995, 14 wolves were reintroduced. Introduced to Yellowstone National Park. From यस मैम दिख रहा है। ऑल राइट there, those 14 wolves basically saved the entire park's collapsing ecosystem. Let's talk about that. Don't forget to subscribe so you never miss an upload, and let's jump in. On March 1st, 1872, President Ulysses S. Grant signed the National Park Protection Act into law, creating the first national park. Yellow. Generations to come. The creation of Yellowstone protected most of the native species, but it didn't provide protection for most of the predators, like the wolves. As a result, by 1926, all the northern Rocky Mountain wolf packs had been hunted to extinction. Although reports of single wolf sightings continued, they weren't enough to hold the wolf's prey at bay.
By the mid-20th century, the deer and elk populations increased substantially, resulting in overgrazing, particularly of the willows and other vegetation important to soil and riverbank structure, leading to heavy erosion. As a top predator, wolves were one of Yellowstone's linchpins, holding together the delicate balance between predator and prey. Their removal in the early 20th century disrupted food webs and set off something called a trophic cascade. The wolves' natural predators, in this case the elk, multiplied, all while consuming increasing amounts of foliage. This hurt the species that relied on that vegetation, like the birds who nested in the trees, and the beavers who used the willows to create their dams. And without the beaver dams, hundreds of native fish species started to decline. And as the fish declined, so did the animals that fed on them, like the foxes and bears. By removing a single species, a cascade of negative effects propagated outward throughout the ecosystem. In 1974, the gray wolf was officially recognized as endangered. And so recovery efforts were mandated under the Endangered Species Act. The very next year, the long process to restore wolves to Yellowstone began. But for a long time, problems were evident. The program lacked both the necessary funding and any meaningful willpower to get it done. This only got around to appropriating funding in 1991, only about two decades late, which by today's standards might actually be a fast pace. After receiving more than 160,000 public comments, the most of any federal proposal at the time, 31 gray wolves were drugged and abducted, or relocated as conservationists like to call it, from Canada to Yellowstone. When wolves were brought back to the park, they finally killed the overabundance of elk. The elk populations decreased from more than 15,000 in the early 90s to about 6,000 last year. And not only did their numbers dwindle, but the wolves' mere presence was enough to change the elk's behavior. They started to avoid Yellowstone's valleys and gorges, where they could easily be hunted by the newly introduced wolves. As a result, those areas began to recover. And by 2006, some aspen trees had grown tall enough to where they were too big to be eaten by the elk. These growing trees provided a habitat that allowed for greater diversity and abundance of bird species, like yellowthroats, warbling vireos, and song sparrows, that were finally able to nest again. And with the increase in wooded area, beavers were able to return. The number of beaver colonies in the park increased from 1 in 1996 to 12 in 2009, allowing for an explosive growth in fish wildlife. It might sound a little strange that beaver dams help fish populations, but by rising the water level and calming the stream, they make it easier for fish to hang out and reproduce. For reference, Wyoming streams with beaver ponds have about 75 times more abundant water life than those without. And without herbivores eating so much vegetation, plant life along the riverbanks once again thrived, and erosion decreased significantly. The stabilization of these riverbanks even made the rivers change course. With the reintroduction of just a small population of wolves, the landscape of the whole park was transformed. While these transformations have been undoubtedly beneficial at preserving Yellowstone's ecosystem for future generations, this might not be set to last. In 2018, Congress added a record number of anti-wolf measures to the appropriation bills that fund the Department of the Interior that govern the nation's parks. These measures would block protections in the Endangered Species Act from applying to a variety of wolf populations and would likely lead to them being hunted once again. In 2015, it was estimated that there were about 500 wolves in the greater Yellowstone ecosystem. That means that after only a few years of hunting, they could be brought back to extinction. That's one of the difficulties with conservation. It can take decades to save an ecosystem, but only a few years to destroy it. If we don't act fast, wolves could once again be subject to the same hostile extermination practices that push them to the brink of extinction. But hopefully, they'll be howling at the moon for years to come. I hope you enjoyed getting smarter with
with us today. If you did, a small pack of 9 wolves, they changed the direction of Yellowstone National Park में जो river बहता है उसका, ठीक है? तो see, जब आप एक चीज ठान लो कि मुझे entrepreneurship करना है, मुझे ये काम करना है, तो what you just need to do is you need to keep yourself motivated that I want to go ahead in doing this work and I want to, you know, accomplish my goal. So entrepreneurship is that. You should be having few entrepreneurial qualities, ठीक है? आप में सब में है, आपको बस उसको पहचानना है. You need to identify those qualities, strengthen them up, and then get some, you know, जेनरेशन आइडियाज, बिजनेस जेनरेशन आइडियाज, जिसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा. कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसको अपनाना पड़ेगा और उसके सहायता से आप आगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो व्हेन वी स्पीक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप and especially in a fashion industry, I am referring this in a fashion industry because it's one of the dynamic and most exciting field. ठीक है, आप लोग सब जानते हो, इसीलिए आप लोग सब कोई certificate program कर रहे हो fashion technology पे, ठीक है? तो अभी when you look into the fashion business right now, ठीक है, you need to balance yourself with the artistic side of the design and as well as the commercial aspect of it. For example, if you know the technicalities of it, you know sewing, you know embroidery, you know dyeing, that is not sufficient to run a business. All right, you will have to understand for which market you want to do this, what is the budget range. So you will also have to look into the finance, okay? You will have to look into how you are going to explore the market, how you are going to get the supplies, or how you are going to produce the materials, all right? How you are going to do a brand building for your brand, and how you are going to market those. It is not important that how many numbers of pieces you are creating, all right, but where to which market you are catering that, okay? That needs to be identified. Then there are, you know, after the COVID, we have various other factors which are leading to sustainability and ethics as well. Like, you know, more and more environmental concern. Those who are in Delhi, they may be knowing how air pollution is creating havocs. ठीक है? In that sense, you know, people have started, you know, after your oil industry, textile industry is the second largest pollution creating industry. So ab jab fashion ke bare mein dekhoge to aap sustainability ke bare mein bhi sochna ki kya hai ye. So we are again, you know, studying about the market, and then we are deciding whether we want to go for a fast fashion or we want to go for an inclusive fashion or sustainable fashion. ठीक है? तो when you are thinking of becoming a fashion entrepreneur, you will have to understand that you need to pay attention to creativity and innovation. At the same time, you also need to develop a brand for yourself, which should be well, you know, presented to the market. It should have proper representation with right amount of values and right amount of pricing as well. All right. Then when you are looking into the prices and branding, you also need to understand to which market you are giving it and how you are sending it. What are the, you know, final connectivity to the consumers. Then you have the supply chain management. Supply chain management is like, you know, from where you are getting the material. Say you want to develop a kurti ka
कुर्ती का ब्रांड. ओके नाउ कुर्ती हैज सेवरल थिंग्स यू एंड देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर कैटरिंग टू अ मार्केट व्हिच कैटर्स टू फास्ट फैशन द प्राइस शुड बी रीजनेबल, द प्रोडक्ट शुड बी गुड, इट शुड हैव ऑल द क्वालिटीज दैट द अदर ब्रांड्स आर गिविंग. ऑलराइट सो ये सारा चीज आप जब देख रहे हो तो कहां से आप प्रोडक्ट को फैब्रिक को सोर्स कर रहे हो, कहाँ स्टिचिंग करा रहे हो, कहाँ डाई करा रहे हो, कहाँ पैकेजिंग करा रहे हो, कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, वो एंटायर चेन जब आप सारा चेन को कनेक्ट करते हो दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन. ओके सो हाउ यू आर मैनेजिंग दैट सप्लाई चेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप मार्केटिंग कहाँ करोगे, उसको कहाँ बेचोगे. आप केवल 100-100 गारमेंट्स बना लोगे तो वो ज्यादा फायदा का नहीं होगा until and unless you are being able to sell it out to the market. ठीक है, तो अब physical market है, digital presence भी है. अब के scenario में in 21st century we have marketing being done for exports, for retail, domestic retail through you know digital presence or physical presence as well. So e-commerce and right now quick commerce is one of the very influencing marketing channel. Quick commerce like you have Blinkit or you have Reliance, Mart. Okay, so these are the one who give you you know Zomato. So all these are the quick commerce channels who are giving you materials within few minutes. Okay, so these are the challenges that you need to look into. How you are positioning yourself, what is the marketing strategy that you need to look into. Sustainable ethics, like how, for how many years it is going to be, how, what is the amount of carbon footprints that is it is going to leave in the environment. So all these things, you know, needs to be kept in mind when you are looking forward for a entrepreneurship. All right, but when you think of becoming an entrepreneur, it has several you know advantages. Yes, if you plan it properly, if you know, you should have a patience to go ahead in becoming an entrepreneur. Yes, and when you become an entrepreneur, there are lots and lots of advantages. The first one is you have better income from enterprise activity than paid employment. Yes, if you go and work somewhere, you will get a limited amount of say 10,000 rupees, 20,000 rupees. All right. But if you have your own brand, if you have your own firm, for few years, maybe you can earn up to 5,000 or 6,000. That depends on the you know in your gestation period of your branding. But once you achieve a stability into it, you will get better income from other paid jobs. All right, you will be the master of your own business. Yes, that means you have the independence of growing it or diversifying it or positioning of your you know brand in other markets as well. Like you can add on more categories to it, you can add on more surfaces to it, you can add on the product variation, you can do the diversification, all these things. You know, you have the right to take decision and you are the master of your own business. All right, third is work according to one's likes and circumstances. Say for example, if I say you want to work from home, okay, you have ample amount of space in your home and you want to keep that workshop in your home itself, you do not want to make your office somewhere out. Okay, so whatever you want, whatever your likes are and whatever your circumstance allows, you can work according to that. All right. Now, here, once you get into this entrepreneurship, you are your own master. So you can give employment to others. Yes, increased yield. Yes, that means production. So once you increase a you know, looking at the profit and looking at the other factors, once you expand your business, you will start earning more amount of income from that. All right. And you will be economically independent. So when you are looking, when you are
becoming an entrepreneur, these are the things that will be enhanced in your life. All right. Now, how are you going to get empowered? Now, empowered is something, you know, once you have the financial empowerment, you are becoming empowered. Yes. So, and how are you going to get financially empowered? Only when you start earning of your own and your profit is more than your loss. Yes. So you have more amount of, you know, indispensable income for yourself. You can run your family with your business when you can give employment to other people. Yes. So this is how you are getting empowered. And how are you getting empowered? Through the enterprise, through the brand that you have created. Yes. Now you have the choice of a product. Yes. Here, once you develop a brand, yes, you can choose which product to be developed. What are the skills that needs to be used while product development? Okay. And what kind of people needs to be hired further to develop your brand is what is the empowerment you have. Yes, you have new ideas. You can get non-traditional avenues as well. So instead of, you know, say you want to develop kurtis, okay, for a age group of 25 years to 32 years. Yes. So these are basically someone who is either studying in their bachelor's or completed their bachelor's, have entered into a job. All right. And they are the ones who are going to be your clients. So based on their clientele, yes, you will be adding different types of fabrics for the kurti development. Say you want to go for natural fabrics. All right. You want to go for silk-based fabrics. All right. Now, silk-based fabrics will have a different pricing. Cotton-based fabrics will have a different pricing. So accordingly, you can have the choice of keeping your products. Okay. And accordingly, say you are having cotton-based products, so you are going for machine embroidery. If you have silk-based products and it is for a, you know, luxury range, you can go for a handmade hand embroidery section, these kind of. Yes. Now, when you think of all these things, now there are several schemes which are being given by the government to empower you. Okay. So you can access to the resources and take credits from them. Yes. You can, if you want to go ahead, you can seek guidance from the government organizations who are giving you benefits of starting up the entrepreneurship program, and they will help you out through the investments. Okay, so you can seek bank loans, then you can get subsidized rate of interest for these bank loans. Like you have Mudra Yojana, then you have startup schemes. Okay, so there are different types of business investments planned by government as well as private resources also, which you will be able to access. All right. Now, the third skill that you are going to get here is decision making. You can take your own decision. You are in a position to decide whether you want to, you know, go ahead with the similar number of employees or you want to expand your business. All right. So that decision making capability you will be getting. All right. And not only that, but you will also get a chance to move about in the outer, you know, region, and you will get a mobility. You will interact with different types of people, different types of organizations, like, you know, government organizations, private organizations. Then you have investors, or you have, you know, those who will give you consultancies. Okay, so these kind of mobility you will gain. Okay, you will get more of resources once you start, you know, landing into entrepreneurship. This is how you will be empowered. And at the same time, you can create your own assets. You will have the firm control. You know, you can
tell your workers that this is how this needs to be done. So collectively, you will be having a position, a power, and those power will be utilized for strategizing the further business. All right. I hope I have made myself clear how you are going to empower through enterprises development. Yes. Yes, ma'am. Yes, I want to show you a case study here. Yes. How many of you know about this Instagram brand called Save As? Aapko pata hai Save As kya hai? How many of you are there in Instagram? Yes, ma'am, we are. Yes, ma'am, we are on Instagram. Yes. So there are different brands. As I was speaking about, you know, digital content now, digital branding now, digital propagation of the brands. Yes. So Save As is one brand, you know, who does a lot and lot of work on recycling. Recycling ka matlab pata hai aapko? जो भी चीजें जैसे कतरन को सिलाई करके यू नो कतरन को जोड़कर दे हैव सी हैज कम अप विद अ ब्रांड व्हिच गिव्स एस्थेटिक्स. यस, आपने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन में हाउ यू आर यू नो यूजिंग एम्फेसिस देन बैलेंस एंड देन यू नो सिमेट्री. ये सारा कुछ यूज करके आप कैसे एस्थेटिक्स को क्रिएट करते हो. तो व्हेन यू हैव दोज आइडियाज एंड एज यू सेड कि आपको काम आता है, ठीक है, बट आगे जाना है उसको सोचते हैं आप कि कैसे क्या करना है, ठीक है. तो यू विल हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू नो, व्हाट द स्किल यू हैव. यस, एंड यू विल हैव टू एक्सप्लोर कि आपका जो स्किल है वो किस लेवल तक अवेलेबल है इन द मार्केट. यस, सो दिस ब्रांड सेव एज इज ओन्ड बाय अ डिजाइनर नेम्ड अंशिका यादव. Yes, she is my student. She graduated in 2022, जब कोविड का टाइम था, ठीक है. One of the very best student which I had, and she had great interest in value addition. ठीक है, value addition means she is from Allahabad region. आप देखोगे Instagram में Save As करके इसका profile है, आप देख सकते हो. Local Indian Nation में भी अभी आता है इसका ads, and being better India में भी आता है इसका चर्चा, ठीक है. सी इज अ डिजाइनर हु ग्रेजुएटेड व्हेन इट वाज कोविड, ठीक है. सी वेंट टू फ्यू एक्सपोर्ट हाउसेस वेयर सी सॉ हाउ प्रोडक्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड. यस, देयर सी कुड फाइंड कि प्रोडक्ट्स डेवलप तो होते हैं बट देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रेसेस व्हिच आर लेफ्ट बैक. Yes, so if you are willing to develop something, you will have to find a gap. Ki aap kis jagah apna skill ko develop kar sakte ho. Theek hai? So this brand uses fabric waste, which is coming out from tailors, boutiques, and they develop new products. Upcycling around 50 kgs of trash per year. 500 kgs, matlab aapka 5 quintals. What she does is, she goes to different boutiques, collects it from there, and she collects wastage from export houses, from different job workers, job work places. And then she plans out how those katrans are going to be placed and developed into a garment. All right. So you can take a note of her brand named Save As. Aur aap log us brand ko study kar sakte ho ki kis tarah se usne trash se apna products development shuru kiya. Theek hai? Then she started all the techniques of branding, diversifying the products, branding, making collaterals, doing a digital marketing, and then empowering herself. All right. So the purpose of giving you this, you know, case study is to make you understand that aap agar karna chaho, if you have the zeal, if you have the
willingness to do an entrepreneurship program, you will have to go ahead and explore the market, yes, in which area you want to develop your skill. All right. So when we are now, please pay attention. This is something which is of utmost importance. Yes. Now, how do you generate your idea ki aap kya karna chahte ho? As I think Jenna was saying, right? Ki she has the skills, but she is not aware of how to go ahead. Yes. I think I said that, ma'am. What's your name? Sorry. Nikita, ma'am. Nikita. Yes, Nikita. So, you know, you have this skill, but you will have to understand what is the potential that your skill can lead to. All right. And you will have to understand ki what is that requirement where your skills can fit into. Okay, so when we develop a business idea, yes, we will have to see what is the need of the people. You know, only change is the constant thing that keeps on changing. Yes, change hamesha hote rehta hai. Toh wahi ek cheez constant hai ki change hoga hi hoga. Theek hai? Toh aapko jab apna ideas develop karna hai, toh aapko dekhna padega ki abhi society kis tarike se change kar raha hai. Theek hai? What is the need? आप कोविड के पहले का सिनारियो बताओ क्या था? कोविड के पहले क्या सिनारियो था? People had got so much into luxury that they had forgot कि लग्जरी को क्रिएट करते करते कितना फुटप्रिंट आ रहा है हमारे एनवायरमेंट में. Do you agree with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It was only COVID और lockdown हो गया 2 साल का, तब हमने realize किया कि हमारे लिए ये कुछ मायने नहीं रखते. ठीक है, ये जो इतना सारा luxury है, इतना सारा developments है, ये मायने नहीं रखते हैं until and unless we think about our environment. Yes? So then we decided that we will have to look into our environment also, but at the same time we have to preserve the culture that we have received from our forefathers. Yes. So how did we understand that? When we got into COVID. So ye jo understanding hai, aapko samajhna padega logon ka need kya hai. Theek hai? Or then you have to think about generating a new product. Theek hai? या फिर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को सेलेक्ट करो जो एग्जिस्ट तो करता है बट इन अ न्यू वे आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ Zomato. ठीक है, Zomato क्या है आप लोग मेरे से अच्छे तरीके से बता सकते हो? यू कैन यू नो स्पीक बेटर देन मी. Zomato, Blinkit, ये सब क्या है? मैम फूड डिलीवरी ऐप है और अलग अलग फूड जो शॉप्स हैं उन्होंने उस पर रजिस्टर किया हुआ है और एक ही जगह से हम किसी भी शॉप से ऑर्डर कर सकते हैं. ठीक है, नाउ जो इनके जो इन्वेंटर्स हैं, हाउ डिड दे नो कि लोगों को खाने की जरूरत है, खाना लेने की जरूरत है? और मेरा ये बिजनेस जो है प्रोवाइडिंग फूड डिलीवरी टू डिफरेंट पीपल एट यू नो डिफरेंट प्लेसेस दैट विल क्लिक आउट. मैम मोस्टली जो ज्यादा तो ये कोविड में ही बढ़ा है जब लोग बाहर नहीं जा सकते थे खाने के लिए, लेकिन क्रेविंग हो रहा था लोगों को लेकिन बाहर निकलना नहीं था, तो उस टाइम पे हर डिलीवरी घर पे हो जा रही थी और सब इजी हो गया था, तब इसने ग्रोन अप किया है. तब उनको लगा कि अभी क्योंकि ये हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो दे सॉ कि पहले भी होता था किराने की दुकान से जरूरत होता था तो किराना वाला घर में सामान पहुंचा देता था. ठीक है, बट
कोविड के टाइम में जब सभी को जरूरत हुआ तो किराने वाले के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपना दुकान छोड़कर सबके घर जाए और डिलीवर करे, ठीक है। तब दीज फाउंडर्स दे रियलाइज कि वी कैन हैव अ सर्विस लेबल वेयर देयर कैन बी डिलीवरी बॉयज हु कैन यू नो गेट द रिक्वायरमेंट एंड डिलीवर द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे विल बी पेड टू डिलीवर द थिंग्स। समझ में आया? तो वो नीड ऑफ द टाइम था, दे अंडरस्टूड द नीड ऑफ द टाइम, दे अंडरस्टूड कि क्या सर्विसेस अभी चल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप बिजनेस आइडिया डेवलप करो तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम। समय के अनुसार आपको समझना पड़ेगा आपका जो स्किल है, से यू आर इनटू गारमेंटिंग, ठीक है, गारमेंट आप बनाते हो तो आप टेलरिंग में हो या आप क्रिएशन में हो, ठीक है। अगर आप टेलरिंग में हो तो लोगों के पास अभी लोग इतने व्यस्त हैं कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टेलर को जाकर अपने कपड़े दे, ठीक है। तो यू कैन हैव अ सर्विस विच कैन गिव यू कस्टमाइज्ड टेलरिंग, ठीक है, वो आप उनसे पूछ सकते हो अगर उनके पास है, या यू कैन ब्रांड योरसेल्फ और आपको कस्टमाइज्ड टेलरिंग मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ये होता है कि जैसे आजकल बहुत सारे क्लाउड किचन्स हैं, दे डू नॉट हैव होटल्स और दे डू नॉट हैव रेस्टोरेंट्स, बट घर पे ही कुकिंग करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो खाना भेज देते हैं, ठीक है, ये क्लाउड किचन है। तो दैट वॉज द नीड ऑफ द टाइम। तो जिस समय जो जरूरत होता है आपको आपके अपने फील्ड में, वो समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल अराउंड यू विच इज रिलेटेड टू द स्किल दैट यू हैव, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आपको अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने सर्विस को चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ आपको बिजनेस का आइडिया जेनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू थॉट कि ठीक है, खाना सबको जरूरत होता था, क्रेविंग्स होता था, ठीक है, नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ फूड वाज रिक्वायर्ड, वेदर इट वाज अ होम कुक्ड फूड या फिर इट वाज अ रेस्टोरेंट फूड, ठीक है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए किस टाइप ऑफ क्लाइंटेल की जरूरत है, ठीक है। सबकी जरूरत अलग अलग है, तो किसके लिए क्या जरूरत है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। जैसे कि हम अगर एग्रीकल्चर बेस्ड देखें तो होता है वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स आजकल आपका रिलायंस फ्रेश है जो फ्रेश वेजिटेबल्स देता है, ठीक है। देन देयर आर फ्लावर्स लाइक यू हैव फर्न्स एंड पेटल्स है जो आपको फ्लावर्स डिलीवरी दे देता है, ग्रेन्स दे देते हैं, ठीक है, बिग बास्केट है जो आपको सारा कॉमोडिटीज दे देता है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिसपे आप काम कर सकते हो, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्टिकिंग टू दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप जब एग्रीकल्चर के बारे में बोलते हो तो देयर आर एनिमल बेस्ड एग्रीकल्चर ऑल्सो लाइक यू हैव गोटरी, पोल्ट्री, पिगरी, डेयरी, ठीक है, ये सारा भी अवेलेबल है। अगर आपको प्रोसेसिंग फूड के बारे में करना है तो पाउडरिंग होता है, पैकेजिंग होता है, और यू हैव अचार मेकिंग का जो प्रिजर्विंग होता है, ठीक है, फ्रूट, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, तो ये सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। देन यू हैव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग लाइक यू कैन गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रेसेस, manufacturing of shoes, fancy items like you have these days, you have macrame earrings, macrame jewelries, fabric jewelries, resin ka jewelries, theek hai, aur bahut sare varieties hain, household items, furnitures, theek hai, aapke dekhoge Flipkart hai jo aapka sara cheez deta hai, but there are Lenskart jo aapko eyes चेकअप के लिए भी ये सुविधा देती है, ठीक है। तो ये सारे जो ब्रांड्स हैं, इन्होंने भी नीड ऑफ द मार्केट को समझा एंड दे केम अप विद दिस काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर
आइडियाज, ठीक है। अब ट्रेडिंग कल देखो तो ग्रोसरी, टी शॉप, वेजिटेबल वेंडिंग, ये सारे देख सकते हो। सर्विसेज में यू हैव होटेल्स, यू हैव हेयर कटिंग, लाइक यू हैव अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप जो है वो सलोन सर्विस देता है आपको, देन रिपेयर सर्विस देता है, आपका मेंटेनेंस सर्विस देता है, ठीक है। तो इस तरीके से सर्विसेस भी हैं। तो इस तरीके से आपके ये पांच अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हो और अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। यस, कोई डाउट है अभी तक आपको? जो भी बताया मैंने, आपको कुछ समझना है, जानना है तो आप पूछ सकते हो, या आपके मन में कुछ है तो आप ओपनली पूछो। आई कैन हेल्प यू आउट मे बी हाउ यू नो यू कैन थिंक ऑफ गोइंग अहेड। ऑल राइट, तो जब भी हम ये काम, ये सोचना शुरू करेंगे ना, ये दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना जब शुरू करोगे तो आपको बिल्कुल शुरुआत से प्लानिंग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं निकिता? यस मैम, यस मैम। तो प्लानिंग करने के लिए देयर आर स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, जिसको आपको अपनाना पड़ेगा। दीज आर द टेक्निक्स विच हैव बीन थियोरिटाइज्ड बाय वेरी लर्नड लर्नर्स, एकेडमिशियंस, ठीक है। कि ये टेक्निक्स को आप जब अपनाओगे तो दैट विल गिव यू रिजल्ट। सो फॉर दिस फर्स्ट यू नीड टू लुक इनटू ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है आप एक कोई प्रॉब्लम के बारे में सोचो, ठीक है। आपके आपके जो डे टू डे लाइफ में अभी आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में सोचो। एक पेपर और पेन निकालो और उसमें जो भी दिमाग में आ रहा है ना वो आप लिख दो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर राइटिंग इट इन वर्ड्स, इट इन सेंटेंस। जस्ट राइट डाउन द वर्ड्स, ठीक है, और फॉर वर्ड्स को सब कुछ आप उस पेपर में लिख दो। लेट्स डू अ स्मॉल वर्क, यस, टास्क हियर। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू टेक अ पीस ऑफ पेपर, वन पेन, एंड राइट डाउन वट एवर कम्स टू योर माइंड रिगार्डिंग वन प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग रिलेटेड टू any of the services or any of the products. All right, let's do that. We'll take 15 minutes, ठीक है, and we will do that. Now, when we do this, you will have to follow four basic rules. Yes, आपके दिमाग में जो भी आता है, जो भी आता है, आप ये मत सोचो ये सही है या ये गलत है, ठीक है। जो भी दिमाग में आता है आप सारा कुछ उस पेपर में लिख डालो, वन लाइनर या वन वर्ड के हिसाब से। जैसे आप देख रहे हो आपके सामने एक स्क्रीन में एक है एग्जाम्पल, ठीक है, दिख रहा है आपको? यस, यस मैम, यस। इस तरीके से आप बस पेपर में लिखो क्वांटिटी, Not quality is important. You need to write down जितना दिमाग में आता है सब लिखो, ठीक है। And we will do the next step, a step called mind mapping after we complete this brainstorming. Let's do that. Yes. All of you take out a piece of paper.
अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में बट यू लव समथिंग एंड यू वांट टू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, से यू लव पेट्स, यू लव एनिमल्स एंड यू वांट टू स्टार्ट अप विथ अ ब्रांड व्हिच वर्क्स फॉर एनिमल्स, या जो एनिमल्स के लिए कुछ भी एक्सेसरीज डेवलप करने में हो सकता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो your interest, where you want to go ahead, that needs to be written. So I'm giving you 15 minutes of time. All of you need to take a paper, write down the words which comes to your mind regarding the thing that you have in your mind. All of you need to do that and we will discuss it here one by one. Theek hai?
हो गया निकिता आपका? ये सब दिखाएंगे मुझे? नो मैम. क्यों? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या मतलब. आप बोलो, आपने कुछ सोचा है? आपको किस लाइन में आगे जाना है या किस चीज का आपको इंटरेस्ट है? यस मैम. क्या? आई लव टू डू हैंड एम्ब्रॉयडरी, मुकेश वर्क. मुकेश वर्क, ओके. तो आप ये बताओ कि हैंड एम्ब्रॉयडरी के बारे में सोचो, और हैंड एम्ब्रॉयडरी आप सबसे पहले लिखो हैंड एम्ब्रॉयडरी, ठीक है? Yes, आपके ma'am. पेपर में सबसे पहले आप लिखो हैंड एम्ब्रॉयडरी. यस मैम. हाँ, अब हैंड एम्ब्रॉयडरी में क्या क्या डेवलप किया जा सकता है ये बताओ, या क्या है आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी के बारे में क्या पता है? हैंड एम्ब्रॉयडरी के बारे में मुझे जो थ्रेड एम्ब्रॉयडरी होती है उसके स्टिचेस पता है. आप लिखिए थ्रेड एम्ब्रॉयडरी. यस मैम. थ्रेड्स लिखिए, स्टिचेस लिखिए. कहाँ किया, क्या, किस चीज में हैंड एम्ब्रॉयडरी किया जाता है वो लिखिए. I have to write name of the stitches or only? You can write down the name of the stitches as well. But there are the 400 type of stitches in thread embroidery. How can I write? Write down some particular or selective stitches which you are very confident on and you want that stitches to be developed ahead. Okay ma'am. You also need to write down on what products you want these stitches to be. What ma'am? You also need to write down on what products. ठीक है. These stitches needs to be developed. On what products like ma'am? हैंड एम्ब्रॉयडरी की आप अपना एक ब्रांड खोलना चाहते हो, ठीक है? Yes, जिसमें आप हैंड एम्ब्रॉयडरी करोगे. Yes, तो वो क्या प्रोडक्ट्स होंगे? वो कुशन कवर होंगे, जूते. ओके ओके, गेट इट मैम. या पर्दे होंगे. Yes, या कपड़े होंगे, ठीक है? Yes, ma'am. तो वो कैटेगरी आपको लिखना पड़ेगा. होम प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज और अपैरल्स और फैशन एक्सेसरीज, ठीक है? मीनाक्षी, आपको समझ में आया आप लिख रहे हैं? नो मैम. जी मैम, नहीं समझ में आया. आपको पूछना चाहिए ना क्या नहीं समझ में आया. आपको आपको क्या अच्छा लगता है, या आप जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो किस चीज में करना चाहते हैं? मम्मी को मेहंदी पसंद है. मेहंदी पसंद है आपको, ठीक है? तो आप लिखिए मेहंदी. यस मैम. मेहंदी में कितने टाइप्स ऑफ डिजाइन होते हैं और मेहंदी कहाँ कहाँ यूज होता है? यस
मेहंदी मेहंदी का जो सर्विस है, ठीक है, आप जो मेहंदी से यू डू नॉट वांट टू गो फॉर अ प्रोडक्ट बट यू वांट टू गो फॉर अ सर्विस जहां पर मेहंदी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये सोचना होगा कि मेहंदी किस किस चीज में लगाया जाता है, मतलब किस किस ओकेजन्स में लगाया जाता है, उनके क्लाइंट्स कौन होंगे, कौन मेहंदी लगाएंगे, ठीक है। जैसे अरबिक होता है, इंडियन होता है, यू हैव मुगल मेहंदी, तो कितने टाइप्स ऑफ मेहंदी के डिजाइन होते हैं आप उसके बारे में क्या जानते हैं वो लिखिए। अलका जी, आपको समझ में आया? मैम थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मैंने लिखा हुआ थोड़ा सा, मतलब मेरे दो ऑप्शंस हैं, हाँ जैसे कि मैं अपना एक या तो बुटीक लॉन्च करना, मतलब बुटीक शॉप खोलना चाहती हूँ, हाँ तो उसमें एक कस्टमाइज सूट्स रहेंगे, तो कस्टमाइज में एक तो होता है जैसे अभी लोकल अगर मैं खोलूंगी तो यहाँ के आसपास जो मतलब एरिया है उसके हिसाब से मैं ये देखती हूँ कि लोग यहाँ पे मतलब ज्यादा स्पेंड करने में बिलीव नहीं करते, तो उसके लिए मैंने सोचा कि लो कॉस्ट कस्टमाइजेशन बट अच्छी क्वालिटी में, कैसे उसमें थोड़ा मेरे को कुछ आइडियाज नहीं है अभी क्या उसके लिए मैं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आपके दिमाग में ये सब जो चीज है ना, जैसे बुटीक है, ठीक है, आपके सोसाइटी के लिए है, तो आपके सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते हैं आप उनके बारे में भी एक सोचिए, ठीक है, कि हायर क्लास के लोग होते हैं, मीडियम लेवल के लोग होते हैं, या फिर लोअर लेवल के लोग होते हैं, ठीक है। तो आपको वो इनकम रेंज को देखिए, ठीक है, उनका किस इनकम रेंज में वो आते हैं। जैसे से देर आर पीपल हु आर अर्निंग 10,000 to 15,000 मंथली, ठीक है, तो ऑब्वियसली दे के नॉट अफोर्ड अ कस्टमाइजेशन विच इटसेल्फ इज कॉस्टिंग देम 2,000 रुपीज। वो 2,000 रुपया में अपना कपड़े नहीं सिलाएंगे। फॉर देम यू नीड टू रिड्यूस इट डाउन टू से 200 रुपीज, 300 रुपीज, ठीक है। तो आप उसमें किस तरीके से क्या कर सकते हो वो सोचना होगा। ऑल राइट, तो आप पहले पूरा जो सारा चीज फैक्टर्स है आपके बुटीक बिजनेस को अफेक्ट करेगा, वो सारा चीज आप एक पेपर में जस्ट इंस्टेंटली ऐसे लिख लो हैपजर्डली, ठीक है। और मैम एक अदर ऑप्शन है हाँ आर्ट एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, लाइक मैं अभी पोस्टर्स अपने बनाती हूँ या अपने पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, हाँ उसको भी मैं अगर उसको भी मैं उसमें एड ऑन करना चाहती हूँ अगर मैं उस फील्ड में जाऊँ, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, अच्छा तो उसमें ऐसा रहता है जैसे आर्ट करके फ्रेमवर्क करवाना होता है और आजकल वो जो पोर्ट्रेट्स वगैरह है वो बाय करते हैं लोग अपने घरों में, बहुत यूजुअली ऑनलाइन जैसे इंस्टाग्राम पे भी लोग ऑनलाइन सेल करते हैं, क्रिएट मतलब कस्टमाइज भी करवाते हैं जैसे मंडालन आर्ट होगी, क्ले वर्क करके, मिरर वर्क करके, मिरर वर्क अटैच किए और उसका पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ हाँ ऐसा ही सोच, उसके फैक्टर्स भी थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है उसका भी, जैसे मिरर वर्क हो या क्ले वर्क। एक आता है हम जो हमारी ये फैब्रिक्स होते हैं ना उससे भी आर्ट क्रिएट करते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ हाँ फैब्रिक्स यूज करके आप एक पोर्ट्रेट बनाते हो या उसको लाइक हम घर कैसे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट आर्ट। ठीक है, आप पहले तो फाइनलाइज करो आप इन दो में से, बुटीक से या आर्ट वर्क से, किस पे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा मार्केट, कि कौन सा मार्केट इज मोर एक्सेप्टिंग राइट नाउ, वेदर यू वांट टू गो फॉर अ बुटीक बिजनेस और यू वांट टू गो फॉर अ आर्ट बिजनेस। आपके एरिया में विच इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। यस मैम,
हाँ तो आप इन दोनों से कोई एक को फाइनलाइज करो। आप दो नाव में एक साथ सवार नहीं हो सकते ना, आपको यस चुनना मैम, एक ही पड़ेगा, ठीक है? तो यू फाइनलाइज कि आपको कौन सा नाव में सवार होना है, ठीक है? ओके मैम, उसके बाद यू गो अहेड इन ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट दैट, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। या गो अहेड एंड आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट, यू नीड टू कम अप, यू नो, टेल मी, बिकॉज हम सबसे एक एक करके पूछ रहे हैं क्योंकि आप तीन ही लोग हो अभी, ठीक है? यस ज्यादा लोग होते तो मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है? मीनाक्षी जी आप समझे मेरा बात, यस लिखिए। निकिता आई होप यू अंडरस्टूड मी, यस मैम, यस, राइट डाउन। दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेप, ठीक है? आप आगे जब भी बढ़ना चाहते हो ना, ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग करना बहुत जरूरी है। ब्रेन स्ट्रॉमिंग मतलब आपके दिमाग में तूफान है, ठीक है, कि क्या है। तो उसके लिए आज जितना तूफान है अंदर ना, सब कुछ आपको अपने पेपर के ऊपर वॉमिट करना है। यू विल हैव टू पोर आउट एवरीथिंग ऑन द पेपर, देन ओनली यू विल बी एबल टू रियलाइज कि क्या करना चाहते हैं आप आगे। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, यस मैम, से कैसे करना है? से दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, एंड यू स्पोक अबाउट बुटीक, ठीक है? तो आपने लिखा बुटीक, ठीक है? अब बुटीक में आप बोलो, आई विल हेल्प यू आउट, सबको समझ में आ जाएगा आई होप, अगर हम इस तरीके से करें, ठीक है? तो आपके दिमाग में और क्या क्या आ रहा है? आप जो बुटीक बोल रहे हो तो क्या क्या आ रहा है आपके बारे में? कस्टमाइजेशन आपने बोला एक, ठीक है, और क्या है? सोसाइटी, और क्या है? कॉस्ट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली क्लोथ। आपको पहले ये सोचना होगा दिस बुटीक विल कैटर टू मैन्युफैक्चरिंग या केवल सर्विस, यू नो, टेलरिंग सर्विस देगा या वो अपना रखेगा भी, अपना प्रोडक्ट्स भी रखेगा, ठीक है? तो आप लिख सकते हो
सर्विस या रिटेल भी करोगे आप, ठीक है? और क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे बुटीक में? बिकॉज देयर दीस डेज सूट, यस यस, साड़ीज, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लाउजेस, कस्टमाइज्ड ब्लाउज, ड्रेसेस, क्या फैब्रिक्स यूज होंगे उसमें? डिपेंड अपॉन द सीजन, लाइक इन समर स्प्रिंग वी कैन कॉटन होंगे, सिल्क जॉर्जेट, होंगे, शिफॉन, ठीक है, सीजन फैब्रिक्स। टेक्निक्स आप क्या यूज करोगे? एम्ब्रॉयडरी, डाइंग, प्रिंटिंग, क्या? यस, मैम वर्कर्स, मेरे दिमाग में जितना कुछ आ रहा है हम इसमें लिख रहे हैं, ठीक है? वर्कर्स, डिफरेंट क्या बोला आपने? वर्कर्स, वर्कर्स, ओके, वर्कर, या और क्या, जितना ज्यादा वर्ड्स होगा यहां उतना ज्यादा अच्छा है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो दिस इज हाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज डन। वी लैग बिहाइंड, अगर हम लोग ये अभी करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। और थोड़ा टॉपिक्स है जिसे कवर करना है, तो आप समझ जाओ, ठीक है? ये इस तरीके से जब आप एक पेपर में सारा चीज अपने दिमाग में जितना कुछ भी है वो आप इसमें लिख देते हो, उसे बोला जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है? सबको समझ में आया जो यहाँ है? यस मैम, यस मैम, ठीक है। नाउ हम अब इसे अरेंज करेंगे, ठीक है? मुझे एक बुटीक खोलना है, ठीक है? चलो बुटीक खोल दिया मैंने, ठीक है? नाउ इस बुटीक में मेरा क्या क्या सर्विसेस होगा? बताओ, जैसे कि ब्लाउजेस बनेंगे, ठीक है? सूट्स बनेंगे, सूट बनेंगे, ठीक है? वेडिंग लहंगास और वेडिंग आउटफिट्स, वेडिंग आउटफिट्स लिखा नहीं है मैंने, साड़ीज लिखा है, ठीक है? ये है साड़ीज है, ड्रेसेस है, ड्रेसेस, ठीक है? चलो हम यहाँ लिख देते हैं वेडिंग लहंगा, ठीक है? वेडिंग, एक्सक्यूज मी मैम, यस Yes. Screen is not visible. Are you showing us the screen? I'm showing you the. Can you see the? Okay, ये disconnect हो गया है. रुको. अब दिख रहा है? Not yet, ma'am. No, ma'am.
Now it is Yes, ma'am. visible. Now it's visible. विजिबल है नो मैम, अगेन डिस्कनेक्ट हो गई डिस्कनेक्टेड. मैम. अब दिख रहे हैं? यस मैम. अब दिख रहे हैं. ठीक है, ठीक है. तो जैसे हमने ये किया, हाँ, तो इन सबको अगर हम लिखते हैं बुटीक में, हमारा सर्विसेस होगा कस्टमाइजेशन. ठीक है, कस्टमाइजेशन. अब कस्टमाइजेशन के बाद हमारे कंज्यूमर्स कौन कौन होंगे? ठीक है, तो हम इसे अरेंज कर देंगे. ठीक है, कस्टमाइज, बुटीक से कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन से कंज्यूमर्स. ठीक है, कंज्यूमर्स से हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे. ठीक है, अब प्रोडक्ट से फिर हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे कि हमें साड़ी चाहिए. यहाँ एक है, ठीक है, प्रोडक्ट से साड़ीज, सूट्स, ड्रेसेस, ब्लाउजेस. ठीक है, तो दिस वे आप जब सब कुछ को अरेंज कर रहे हो, ठीक है, जैसे बुटीक से आप कस्टमाइजेशन पे गए, कस्टमाइजेशन पे कस्टमर्स पे गए, कस्टमर्स से प्रोडक्ट्स पे गए, प्रोडक्ट से फिर आपने सारी सूट्स, बूट, बुटीक, लहंगा, ड्रेसेस ये किया, तो आपको एक पाथवे पता चल रहा है. ठीक है, कि आपको पहले बुटीक के बारे में सोचना है, फिर आपको पता है कि कस्टमाइजेशन करेंगे, किस तरह के कस्टमर्स आएंगे. नाउ यहाँ पर आप फिर से सोच सकते हो, हम जैसे बता रहे थे इनकम लेवल के बारे में. ठीक है, इनकम लेवल में आप फिर से तीन कैटेगरी कर सकते हो, ए बी और सी. हाँ, ए बी सी. ठीक है, तीन कैटेगरी. अब तीनों के प्रोडक्ट रेंज एक होंगे, लेकिन तीनों का बजट अलग होगा. तो आप इस तरीके से प्लान करोगे, और जब ये प्लानिंग करोगे पूरा और प्रॉपर एक दिशा में उसको अरेंज करके लिखोगे, दैट इज कॉल्ड योर माइंड मैपिंग. समझ में आया? यस मैम. Yes. तो आप जब इस तरीके से सारे आइडियाज को जेनरेट करते हो एक पेपर में, और उसके बाद फिर उसको चैनलाइज करते हो, तब वो बोला जाता है माइंड मैपिंग. ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. अब दिख रहा है आपको सबको? ठीक यस है, मैम. तो यहां जैसे देखिए, यहां जैसे आप चैनलाइज कर रहे हो, ठीक है, एक यहां से यहां गया, ये होगा, तो उसके बाद फिर आपको ये बहुत समय का काम है. दिस इज समथिंग विच यू नीड. आप जब करना चाहते हो कोई बिजनेस स्टार्ट, तो इसको आपको समय देकर ये पूरा चीज को रेडी करना पड़ेगा. ठीक है, तभी आप इफेक्टिव होगे अपने बिजनेस के डेवलपमेंट आइडिया पर. ठीक है, तो पहला स्टेप टू स्टार्ट एनी बिजनेस इज
brainstorming and mind mapping. ठीक है. Now, when you are starting, thinking of starting a business, आपने brainstorming किया, फिर mind mapping किया. Now, उसको किस तरीके से, क्या क्या दिमाग में रख के mind mapping करोगे, वो चीज होता है कि आपके पास क्या skill set available है. ठीक है. स्किल सेट मतलब कि आप अगर बुटीक बिजनेस करना चाहते हो तो जैसे आपने बताया लेबर्स, ठीक है, कैसे लेबर्स, जो ईटा कंकड़ उठाते हैं वैसे लेबर्स से तो नहीं चलेगा हमारा बुटीक बिजनेस. आपको ऐसे लेबर्स लेना है जो कि इस बिजनेस को जानता है. मे बी स्टिचिंग के लिए यू हैव टेलर्स, एम्ब्रॉयडरी के लिए यू हैव Yes, आपको वो डिजाइन बनाना है उसके लिए आपके पास खाका मास्टर होना चाहिए. ठीक है, जो डिजाइन को पेपर में, खाका पेपर में डेवलप करेगा वो. फिर आपको पैकेजिंग के लिए एक इंसान होना चाहिए जो प्रॉपर आयरन करके, फिनिशिंग करके उसको पैक करेगा. और एक बंदा होना चाहिए जो डिलीवर करेगा. ठीक है, तो इतना सारा स्किल्स आपके पास है या नहीं है वो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा. तो ये आपका पहला सेट होता है कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस मैम. यस मैम. नाउ नेक्स्ट इज अवेलेबल रिसोर्सेस. आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं, आपके पास कितना बड़ा जगह है, ठीक है, जहां पर आप इन सारे लोगों को अकोमोडेट कर पाओगे, अपने इन्वेंट्री को अकोमोडेट कर पाओगे. और फिर रिसोर्सेस मतलब आपके पास मशीन्स हैं या नहीं है, या आप कैसे मैनेज करोगे, आप किसी और को दोगे और उनसे सिलवाओगे और उसके बाद आप खुद उस पे बिजनेस करोगे या क्या. ठीक है, आपका रिसोर्सेस जो भी है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा. थर्ड इज आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी में क्या है जो नहीं है अवेलेबल. ठीक है, से आपके कम्युनिटी में ऑलरेडी 4-5 बुटीक और हैं जो यही काम करती है. ठीक है, तो आपको पहले उन बुटीक्स के बारे में समझना पड़ेगा कि वो लोग जो जो चीज दे देता है वो आप भी अगर दोगे तो आपके पास बहुत कॉम्पिटिशन होगा. ठीक है, लोग किसके पास आएंगे अपना काम करवाने के लिए, आपके पास आएंगे या और बाकी लोगों के पास जाएंगे. आपके पास अपना एक यूनिवर्सल, यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे लोग आप ही के पास आएंगे और दूसरों के पास नहीं जाएंगे. तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कम्युनिटी में क्या ऐसा चीज है जो लोगों के पास अवेलेबल नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से आपका बुटीक का बिजनेस है, लेकिन सबका बुटीक का बिजनेस है, लेकिन सबके पास डाइंग का जो डाइंग लैब है वो नहीं है, डाइंग वर्कशॉप नहीं है. तो आपके पास अगर वो एक एक्स्ट्रा स्किल हो जहां आप उनके पसंद के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से उनके प्रोडक्ट्स को डाई करके उनको प्रोवाइड कर सकते हो विथ ऑल दी अदर additional benefits, तो लोग obviously आपके पास आएंगे. ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि community में क्या available नहीं है. ठीक है, और फिर आपको lastly ये देखना पड़ेगा कि उस unique selling point का, उस unique जो आपका ability है उसका इंस्टीट्यूशनल डिमांड कितना है, लोग कितना कराना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई एरिया होता है जहां पर बुटीक्स बहुत होते हैं लेकिन उनको एम्ब्रॉयडरी करके देने वाला कोई नहीं होता है, वो केवल स्टिचिंग करके देते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी करके देने वाला नहीं होता है. बट लोगों को वहां से एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते बहुत पसंद होते हैं. ठीक है, तो वो होता है इंस्टीट्यूशनल डिमांड. तो आपको उनका डिमांड को समझना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा. तो ये सारा 4 स्टार्टिंग पॉइंट्स है किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए.
ठीक है, केवल ये काफी नहीं है, इनके साथ साथ आपको अपने पर्सनालिटी में एज अ पर्सन भी कुछ चीजें हैं जिसको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। सो एज अ पर्सन यू शुड हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि नहीं, मेरे से ये हो जाएगा, आई कैन डू दिस, मेरे पास इतना इंडिपेंडेंस है कि इनिशियली आई सिंस आई डू नॉट हैव अ रिसोर्स जहां पर हम डाई करने के लिए डायर को अफोर्ड कर सके, तो हम डायर के पास जा सकते हैं, रंगरेज गली जा सकते हैं, वहां से जो बायर ने मुझे जो कलर दिया है वो उनसे डाई करवाने के बाद हम अपने सारे बुटीक के जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करके दे सकते हैं। ये अप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। पहला ये है। दूसरा है, आपको बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, करना है मतलब करना है, डाई करना है उसी कलर में करना है, करना पड़ेगा। देयर आर पीपल जहां पर यह होता है कि नहीं, यहाँ नहीं होगा भाई, आप यहाँ नहीं करोगे, फिर वहां से फिर वो लौट जाते हैं, पेशेंस नहीं है और नहीं हो सकता, ठीक है नहीं हो पाएगा आपका, नहीं, आपको रिजल्ट देना है। तो आप एक डायर के पास गए, उससे डाई नहीं हुआ, तो आप दूसरे रंगरेज के पास जाओगे, उससे डाई करवाओगे और फिर वहां से आओगे। भले ही आप वहां जाने का आपका जितना समय लगा उसका प्रॉफिट आप ऐड करोगे, लेकिन कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको जब आप अचीव करोगे और उसे फुलफिल करोगे, दैट बिकम्स योर प्रॉफिट, ठीक है। तो इनिशियली यू विल हैव टू गेन देयर कॉन्फिडेंस, ठीक है। यू आर अ रिस्क टेकर, आप रिस्क लोगे कि हाँ आपका काम हो जाएगा और उसके बाद आप उसको प्रोवाइड करके दोगे, या देखते साथ बोल दोगे नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता मेरे से, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको रिस्क लेना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ोगे और अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, ठीक है। लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, आप सभी, निकिता, निकिता इज फ्रॉम एनसीसी, राइट? यस मैम। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप खुद आगे बढ़ोगे, आप केवल अपना बेनिफिट के लिए काम करोगे, नहीं, यस मैम। आपको, आपको अगर अपने बिजनेस को आगे लेना है, आपको अपने पूरे टीम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को भी एम्पावर करना पड़ेगा, दैट लीडरशिप इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ओरिजिनलिटी, आप अपना क्रिएटिव आइडियाज को दोगे, आप किसी का कॉपी करके नहीं दोगे, ठीक है, आपका ओरिजिनल फीचर्स होगा, आप क्रिएटिव हो, आपके क्रिएटिविटी से काम करके दोगे, ठीक है। और ये सब करने से फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में आप सोचोगे, उसको बोला जाता है फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है। तो दिस इज हाउ, व्हेन यू डेवलप ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू योरसेल्फ, यू विल बी एबल टू डेवलप योरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नाउ जो मैंने यहाँ टेबल में बनाया वही एक डेलिकेट यूनिकनेस है कि आप, आपके अंदर ये सारा यूनिक एबिलिटी होना चाहिए तभी आप आगे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाओगे, ठीक है। यू शुड बी एबल टू डू अ प्रॉपर प्लानिंग, अ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, और आपका एटीट्यूड को हमेशा हमें कि सामने वाला जो कंज्यूमर होता है, आपका जो कस्टमर होता है, दे शुड नॉट फील बैड रिगार्डिंग योर नेगेटिव एटीट्यूड, यू शुड ऑलवेज बी हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। नाउ आप जब देखोगे, मैंने जैसे बताया आपके पास, आप जिस सोसाइटी में हो वहां आपके इन एंड अराउंड तीन चार बुटीक्स और हैं, ठीक है।
अगर तीन चार बुटीक्स और हैं तो आप कैसे समझोगे कि आपका पोजीशन क्या है उस जगह पे? और जब आपको ये समझना है तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। आप इस एनालिसिस को करोगे अपने ब्रांड के लिए, ठीक है? स्वॉट आप लिख लो। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका जो बुटीक है उसका क्या स्ट्रेंथ है? इन दिस केस यू आर दी ओनली पर्सन जो कि डाइएबल प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर सकता है, ठीक है? दैट बिकम्स योर स्ट्रेंथ, ठीक है? वीकनेस ये है कि दो डाइएबल है लेकिन वो केवल समर में डाई किया जा सकता है, विंटर में आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आपका एक वीकनेस हो सकता है। बट आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है? आप समर के लिए अलग रेंज रेडी कर सकते हो और विंटर्स के लिए अलग रेंज रेडी कर सकते हो, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। हेलो, आओ अजंता। हेलो हेलो, 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 या सो आपका अपॉर्चुनिटीज क्या है कि आप समर में ही विंटर्स के कलर्स को भी डाई करके आप रेडी रख सकते हो कुछ। जब आप सबके लिए डाइंग करोगे तो एक बार मोटा मोटी आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस रीजन में कौन कौन से कलर्स लोग प्रेफर करते हैं, कैसे टाइप के शेड्स में काम करना चाहते हैं, कौन से टेक्निक में काम करना चाहते हैं, मतलब पसंद करते हैं। तो आपका अपॉर्चुनिटीज है वो, ठीक है? और थ्रेट्स मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने हैं, और आप जब ये सब कुछ कर रहे हो तो वो और क्या डेवलप कर सकते हैं, ये सारा चीज आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है? हेलो हेलो हेलो, 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 यस, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट स्वॉट एनालिसिस इज, और यू नीड सम मोर एक्सप्लेनेशंस ऑन दिस। यस, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस मैम, क्लियर। वी अंडरस्टूड। ऑल राइट, सो इसके बाद नेक्स्ट इज दीज आर सम ऑफ द क्रूशियल फैक्टर्स दैट यू नीड टू फोकस व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप अ स्मॉल बिजनेस, ओके? कि आपको इन पांचों चीजों के बारे में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और क्या क्या है ये पांच चीज? पहला इज इन्वेस्टमेंट। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट है या यू रिक्वायर फंडिंग्स फ्रॉम आउटसाइड टू कम अप विद दिस स्मॉल स्केल बिजनेस, ठीक है? बिजनेस करना चाहोगे तो बिना फंडिंग के काम होगा क्या? नो मैम। तो सबसे पहला फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू सेटअप दिस ब्रांड इज वेदर अवेलेबल विथ यू और नॉट। इफ इट इज नॉट, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर इन्वेस्टिंग इन यू, हु कैन गिव यू मनी थ्रू वेरियस स्कीम्स, ठीक है? वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर आप आगे बढ़ सकते हो।
ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट वी लुक इनटू. सेकंड इज व्हाट इज द साइज ऑफ योर बिजनेस, किस साइज का आप बिजनेस सेटअप स्टार्ट करना पड़ता है चाहते हो, ठीक है, क्योंकि उस साइज के हिसाब से ही आप अपना इन्वेस्टमेंट को फाइनलाइज करोगे कितना आपको चाहिए. से यू वांट टू कम अप विद अ बुटीक व्हिच हैज टू नंबर ऑफ वर्कर्स और थ्री नंबर ऑफ वर्कर्स. अगर आपका ये कॉम्पोजिशन है तो आपको छोटा अमाउंट में ही आप मैनेज कर सकते हो, बिकॉज यू विल हैव टू गिव देम सैलरीज, यू विल हैव टू कीप योर ओन रेंट का पैसा, यू विल हैव टू कीप योर ओन डिलीवरी चार्जेस वगैरह सारा कुछ, ठीक है. अगर आपके पास 10 लोग हैं, 10 लोगों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना होगा, ठीक है. तो आपको साइज ऑफ योर स्केल, बिजनेस स्केल को डिसाइड करना होगा, ठीक है. देन यू कैन लुक इनटू द लोकेशन कि आपका जो सेटअप होगा वो कितने दूर है रोड से, वेदर इट इज क्लोज टू द रोड, इट इज इन द मार्केट प्रॉक्सिमिटी, आपके इन एंड अराउंड अवेलेबल है या नहीं लोग जो लेबर्स होते हैं, या फिर आपको कहीं रेंट में लेना है घर और उसके बाद उसमें अपना बुटीक सेटअप करना है, ठीक है. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लोकेशन, आपका लोकेशन क्या होगा ये डिसाइड करना है. फिर आपका और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आपका ओनरशिप क्या है, वेदर यू वांट टू डू इट ऑल अलोन और यू वांट टू हैव अ पार्टनर विथ यू, जो कि दो लोग मिलके आप लोग इस बिजनेस को रन करें, ठीक है. नाउ ओनरशिप पे भी बहुत सारा चीज बहुत ज्यादा तरीके से डिपेंड करता है, वो है एक्सपीरियंस, ठीक है. आपका जो बिजनेस है वो आप उसी फील्ड में करो जिसपे आपको एक्सपीरियंस है, बिना एक्सपीरियंस के कहीं प्लंच करना बेवकूफी होता है, क्योंकि आपको पहले समझना पड़ेगा निटी एंड ग्रेटी ऑफ दैट स्मॉल स्केल सेटअप, एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट अप विथ योर सेटअप एंड देन रन इट प्रॉपरली, ठीक है. So these are the five crucial factors that is very important when you are setting up your own business. ठीक है? Next is after you have explored into all these opportunities, all these steps you have identified, you looked into the strength and weaknesses, you decided about your opportunities and go ahead with the opportunities, and then you are setting up your own entrepreneur, you know, setup. That is what is called setting up of an entrepreneur small scale setup. ठीक है, तो जब आप ये सारा कुछ करके अपना setup start करोगे business का, that is when you are becoming an entrepreneur. ठीक है, समझ में आया सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. कोई doubt है? Yes. No ma'am. आपके booklet में सारे questions हैं, आपको सबको वो कंप्लीट करना है, ठीक है. और कल आपका इंट्रोडक्शन टू फैशन डिजाइन सब्जेक्ट का इवैल्यूएशन है शाम को, ठीक है. तो आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो सारा बुकलेट्स आपने भर लिया होगा आई होप, तो सबको ही उसे स्कैन करोगे और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपने नाम के साथ सारा डाल देना, ठीक है. I will have a look at it evening session में, अगर किसी का नहीं मिला है तो I will say it then and there and उसके बाद I will submit the evaluation, ठीक है? Yes ma'am, okay ma'am. Ma'am but वो जो Photoshop का जो one or two activities है वो छोड़ना है या फिर छोड़ दीजिए, आपको अगर नहीं आता है वो आप छोड़ दीजिए, I will consider that, ठीक है.
ओके मैम, थैंक यू. यस, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू एवरीबडी. जैनब डिड नॉट स्पीक एनीथिंग टूडे. हाउ आर यू जैनब? हाउ इज योर फीवर नाउ? यस, बुखार उतर गया? ऑल राइट, वी विल कॉल इट ऑफ फॉर द डे. वेटिंग फॉरवर्ड फॉर योर इवेल्युएशन टुमारो. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. ओके मैम, थैंक यू मैम. चलो बाय बाय. हाँ, गुड नाइट. गुड नाइट मैम.